स्वागत है आप सबका मैथ मेंटर चैनल पे। भी जैसे ही मैंने पहले भी बोला था, पहले भी एक लेक्चर में मैंने बोला था कि अक्टूबर के लास्ट तक आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है जो वो आ जाएगी, इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो वही बात हुई, अक्टूबर के लास्ट में आपकी नोटिफिकेशन आ गई थी। तो हमने उस टाइम भी काफी कैंडिडेट ने मेरी वो वीडियोस को सुन के ज्वाइनिंग ले ली थी, तो उनका तो सिलेबस काफी हो चुका है क्योंकि वो मैंने काफी पहले डाली थी। अब हमने जब नोटिफिकेशन आई थी उसके बाद भी हमने 6 नवंबर को एक बैच स्टार्ट किया था। उस बैच में भी जो 6 नवंबर को स्टार्ट किया था हमने न्यू बैच, उस बैच में भी सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, इनकी एक ही चैप्टर हमारा कवर हुआ है। अगर आप लोग उसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो तो उस बैच में भी एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर से जब हमारा स्टार्ट होता है तो आपका प्रॉपर फ्लो बन जाता है। बीच में से लेते हो तो आपको थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं क्या चल रहा है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग से कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि चल क्या रहा है। तो अब आप लोग की डिमांड भी काफी आ रही थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए वैसे तो कैंडिडेट अपने इसी कोर्स में भी ज्वाइन, इसी बैच में भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं जिनको ऐसे है कि हमने जल्दी करना है, मार्च में एग्जाम है, बट ये बता देती हूँ थोड़ा सा डिले हो सकता है एग्जाम उनके लिए। जिनको ऐसे कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, हम न्यू बैच लेके आ रहे हैं, न्यू बैच लेके आ रहे हैं 21 नवंबर को, ठीक है। आज 11 नवंबर और 29, बीच में 10 डेज का गैप डाला मैंने। क्यों डाला? कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं सभी जगह विजिट करके फिर आते हैं, जब जिनको थोड़ा डिले से पता चलता है, ठीक है। तो 21 नवंबर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं अपने बैच के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी हैं जो आपको सिर्फ यहाँ पे मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती हैं, आप चाहे कहीं कहीं पे जाके कंपेयर कर लो, ठीक है जी। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो फैसिलिटीज यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर सबके यहाँ पे मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे जो मेन बात है, क्योंकि हम मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैथ टीजीटी और पीजीटी के बारे में। अब मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा है जो प्रैक्टिस पे बेस्ड है और इसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, जितना प्रैक्टिस पे बेस्ड है उतने ही डाउट्स आते हैं इसमें, है ना, उतने ही इसमें क्या हो जाते हैं सब्जेक्ट के, हम देखें डाउट्स आ जाते हैं। तो डाउट्स के लिए बहुत सारी जगह पे तो ऐसे है डाउट के लिए कुछ रखा ही नहीं हुआ, डायरेक्ट बस रिकॉर्डेड क्लासेस देते जा रहे हैं, आप पढ़ते जाओ और पीडीएफ दे देंगे, आप सोल्व करते जाओ, पीडीएफ का सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देते हैं वो। जो चीज मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती, क्यों नहीं लगती, आप थोड़ा माइंड में सोचो, है ना, पीडीएफ है, पीडीएफ में से 100 क्वेश्चन आपको उन्होंने प्रैक्टिस के लिए दे दिए। हम भी आपको, मैं अपने कोर्स के बारे में ही बताऊंगी यहाँ पे, पीडीएफ में से आराम से 100 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। अगर इनका सोल्यूशन इनके साथ में है ना, इनका, चलो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इनका सोल्यूशन इनके साथ में ही दे रखा हो तो पता है हमारा जो ह्यूमन बींग्स है, हम जो हमारा ये है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की बहुत कम कोशिश करते हैं, हम सीधा सोल्यूशन देख लेते हैं, हाँ यार ठीक है ऐसे आइडिया आ गया, आइडिया ले लेके सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत गलत बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप आइडिया ले लेके सॉल्व करते हो ना, तो जितने पीडीएफ के क्वेश्चन है वो तो हो जाते हैं, एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी घूम के आ गया तो तब हमारा माइंड वर्क नहीं करता, ठीक है जी। मैं आपको पीडीएफ के सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करवाती तो हूं, लेकिन वो लाइव क्लास में प्रोवाइड करवाती हूँ, आपको पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन नहीं होते भी, आप डायरेक्ट देखो और आपका काम क्लियर है। हम यहाँ पे जो पीडीएफ है, पहले मेरे कोर्स में बताती हूँ मैं क्या कुछ मिलेगा, फिर मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि दूसरों के साथ क्या चीज आप कंपेयर कीजिए, फिर आप देखिए कहाँ पे आपको अच्छा मिल रहा है वहीं पे आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका जो ये टारगेट, जो चांसेस है ना, ये 4-4 साल के बाद आता है, तो इसको जो इसे गोल्डन पीरियड है इसको हाथ से मत जाने दीजिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, किसी अच्छे, हम कहते ना भी, जो आपको प्रॉपर गाइड करे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। हाँ जी, तो पहले देखिए क्या कुछ है। फर्स्ट वन तो जो रिकॉर्डर सब में मिलती है, रिकॉर्डर वीडियो, किस पे, ये रिकॉर्डेड वीडियो होती है, कंसेप्ट बेस्ड और ट्रिक बेस्ड। कोई भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया, मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रही हूँ, तो जो कंसेप्ट होगा वो कराया जाएगा और जो ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो भी उस वीडियो में करवाए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो में। तो कंसेप्ट एंड ट्रिक बेस्ड वाली कॉम्प्लेक्स नंबर पे, मान लो जैसे बता रही हूँ, वीडियोज मिलती है, ठीक है, वीडियोज मिलती है।
फिर आपको क्या मिल जाती है, सेकंड नंबर पीडीएफ, जिसको आप पहले घर पे खुद सॉल्व करते हो, खुद ट्राई करते हो। तो क्वेश्चन में डाउट आया, यहां में भी जो डाउट आते हैं कभी कभी कंसेप्ट में, यहां भी मेरे पास क्या होता है कि जो कैंडिडेट हमारे साथ ज्वाइन होते हैं वो डायरेक्टली उनको दूसरा नंबर दिया जाता है, वो उस नंबर के थ्रू डायरेक्टली मेरे साथ अपनी बात कर सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ते हैं, मैं उनका रिप्लाई नेक्स्ट डे कर देती हूँ, ठीक है जी। अदरवाइज यहाँ पे लाइव क्लास भी लगती है, मैं उन कैंडिडेट को मैसेज कर देती हूँ कि लाइव क्लास में किया जाएगा डिस्कस। पीडीएफ में जो डाउट आते हैं, पीडीएफ में फिर लाइव क्लास होती है जिसमें हम जो डाउट्स हैं आपके उनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। जितने भी डाउट्स आएंगे, चाहे आपने पीडीएफ में से जितने मर्जी क्वेश्चन आए, तो लाइव क्लास मिलेंगे। और लाइव क्लास ये नहीं कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार मिल रही है, सारा कंटेंट इकट्ठा हो गया उसके बाद देखो भाई डाउट क्या है, नहीं ऐसा नहीं है। हमारी ये नहीं पता पूरा हफ्ता ही चलती रहे लाइव क्लास, वो डिपेंड करता है आपके डाउट्स पे। अगर आपके डाउट्स ज्यादा आते हैं तो रोज चलती रहती है लाइव क्लास, अगर आपके डाउट्स ही कम हैं तो एक क्लास में कवर हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, नेक्स्ट टॉपिक के जब डाउट आते हैं तभी तभी क्लास कंडक्ट होती रहती है। और फोर नंबर, आपने अपने बिहाफ से नहीं पढ़ना, मेरा एक वॉइस मैसेज रेगुलर आपके व्हाट्सएप पे आता है जिसके थ्रू मैं बताती हूँ कि आज हमने इतना कंटेंट अपलोड किया है, आज शाम तक आप इसे पढ़ लीजिए, कल आपके पास ये न्यू कंटेंट खुलेगा, जिससे आपको एक मोटिवेटेड हो जाता है काम भी, मैम ने ये काम दिया है तो हमने आज खत्म करना ही करना है, ठीक है जी। अदरवाइज तो रिकॉर्डेड क्लास अपलोड हो जाती है, पढ़ो ना पढ़ो वो आप पे हो जाता है। जो कैंडिडेट मेरे साथ पहले भी ज्वाइन है उन पे हमारी प्रॉपर नॉलेज वॉच भी रहती है, कोई कैंडिडेट दो हफ्ते एक हफ्ते अगर डाउट्स नहीं भी भेजता तो उनको पास पर्सनली मैसेज भी जाता है कि आप लोग डाउट्स नहीं भेज रहे हो, क्या बात है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इतना कुछ ये ऑफलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, जैसे हम कहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अगर क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा है टीचर पूछता है, वही सेम चीज हम ऑनलाइन में प्रोवाइड करवा रहे हैं, इतनी वॉच आउट करते हैं हम, क्योंकि हमें ऐसे होता है कि जो कैंडिडेट हमारे साथ आए हैं उनको प्रॉपर अच्छे से तैयारी करवाई जाए, ठीक है जी। सारे डाउट्स आपको लाइव क्लास में, जो डाउट्स होंगे लाइव क्लास कंडक्ट की जाती है वो डाउट्स के रिगार्डिंग की जाती है। रिकॉर्डेड लेक्चर में आप कंसेप्ट और ट्रिक्स को क्लियर कर लेते हो, अपने नोट्स बना लेते हो, पीडीएफ सॉल्व करते हो, डाउट्स आए लाइव क्लास में डाउट डिस्कस कर दिए, वॉइस मैसेज हो जाता है आपके पास जो रेगुलर आता है जिससे प्रॉपर वॉच रहती है, मेरा अलग से नंबर मिलता है जिससे आप लोग अपनी कोई प्रॉब्लम है वो भी आप लोग डिस्कस कर लेते हो कि मैम हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सुनती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपको सलूशन भी मिलता है, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात जो फीस की बात आती है भाई, कहीं पे भी आपको फीस जहां पे भी आप जाते हो फुल पेमेंट करनी पड़ती है, फीस की फुल पेमेंट। यहाँ पे फीस आप जो आपकी फुल पेमेंट है आप किस्तों में कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो आप। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप फीस इंस्टॉलमेंट में, स्टार्टिंग की इंस्टॉलमेंट, तीन इंस्टॉलमेंट हमने रखी हुई है, तीन महीने में आपने जो भी आपका फीस है वो कवर करनी होती है। हमने इंस्टॉलमेंट वहां पे है भाई, आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे वैसे शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप और भी कोई आपका मन में डाउट है उसको पूछ सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको एक फॉर्म आ जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आप कौन कौन सी किस्तें, क्योंकि उसमें तीन तीन किस्तों का बनाया हुआ है, कोई कैंडिडेट स्टार्टिंग में ज्यादा भर देते हैं बाद में कम भरते हैं, है ना, तो किस्तों के थ्रू भर सकते हो। सबसे मेन बात यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में आप लोग अपनी फीस पेमेंट कर सकते हो, जो एकदम नहीं दे सकते वो एक एक महीने के गैप में फीस दे देते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे आपको पता ही है टेस्ट सीरीज भी होगी। अब टेस्ट सीरीज है, सबके पास है टेस्ट सीरीज तो, ठीक है, यहां तक सबके पास मिलता है, लेकिन जो एक चीज हमने और एड की है दैट इज द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दैट मींस 125 के 125 क्वेश्चंस का प्रॉपर सेट आपके सामने आएगा, तो है मॉक टेस्ट। ये जो टेस्ट सीरीज है मॉक टेस्ट है, ये सिलेबस खत्म होने के बाद आता है, और सिलेबस का भी हमारा टारगेट है कि विद इन 3 मंथ, 3.5 लगा सकते हैं हम, विद इन 3.5 मंथ हम सिलेबस आपका कवर करवाएंगे। और जो पढ़ने का टाइम है भाई रेगुलर, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, अगर हम बात करें कि एक एक दो दो घंटे में कवर हो जाएगा तो नहीं, रेगुलर 2.5 से 3 घंटे आपको लगाने पड़ते हैं अगर आपने 3 या 3.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है जी। और जो वैलिडिटी पूछते हैं कैंडिडेट भी, वैलिडिटी आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं, लाइव क्लास भी अपलोड हो जाती है, अगर आप नहीं देख पाए तो नेक्स्ट डे आपकी लाइव क्लास आपके पास आ जाती है। तो अगर आप लोग मेरी बात सुनो,
आपका जैसे कहते हैं कि पेपर काफी आगे पीछे हो जाता है, अगर आपका पेपर आगे भी चला गया तो टिल योर एग्जाम आपका ये कंटेंट आपके साथ रहेगा। कई जगह पे हमने देखा है कि एक एक साल की वो वारंटी देते हैं वैलिडिटी की, एक साल तक रहेगा उसके बाद उड़ जाएगा। वैसे तो चलो इस बार का जो चांस है लग तो रहा है, बट फिर भी एक साल के अंदर अंदर हो जाएगा। अगर एक साल के ऊपर भी चला गया ना तो एक बार का कोर्स परचेज किया हुआ आपका आपके साथ रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ठीक है जी। तो इतने सारे बेनिफिट्स, एक तो रेगुलर डाउट क्लासेस हो जाती है भाई, रेगुलर डाउट क्लासेस हो जाती है, प्लस एक आपको वॉइस मैसेज की नोटिफिकेशन मिलती है रेगुलर आपके व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और एक आपका कंटेंट रहता है, अपने टीचर के साथ पूरा कांटेक्ट रहता है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, डाउट है, आप अपने टीचर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। ये नहीं कि बीच में बहुत सारी टीम वर्क कर रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, नहीं, ठीक है। एक ये चीज फैसिलिटी हो जाती है, और जो डाउट्स रहते हैं वो तो डिस्कस होंगे, क्योंकि एक यहाँ पे मॉक टेस्ट होगा, और सबसे मेन बात इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे मेन बात इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हो, और वैलिडिटी टिल योर एग्जाम। अब और बताइए कि इससे ज्यादा फैसिलिटी आपको कहाँ पे मिलेगी। तो ज्वाइनिंग के टाइम थोड़ा सोच समझ के ज्वाइन कीजिए, और डेमो के लिए, हाँ सच एक चीज रहेगी, डेमो के लिए मैसेज आता है तो हमारी मैथ मेंटर नाम से ही ऐप बनी हुई है ना ऐप, उस ऐप पे आप लोग टीजीटी पे जाओगे, वहां पे डेमो के लेक्चर है, वहां पे आप लोग एज अ डेमो लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। डेमो लेक्चर वहां पे देख सकते हो डेमो के लिए, अगर आपने देखना है। बाकी ऑलरेडी चैनल पे मैं रेगुलर बहुत कुछ डालती हूँ, वहां पे देख सकते हो। और जो पीडीएफ है वो बायलिंग्विस्टिक हो जाएंगी, ठीक है। पढ़ाने का वे मेरा वही रहेगा जैसे आप लोग यहाँ पे यूट्यूब पे देखते हो मेरा वे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है जी। थैंक यू।